बसों में भी चर्चाएं यही चल रही है, बबीरू है जैसे, अतर्रा है आपका, और टोटल सपा ही। भाजपा को हमें देना था, पर इस बार गलत प्रत्याशी के कारण हमें नहीं देना। जिस सवर्ण ने हम लोगों की आवाज उठाई, उस सवर्ण को टिकट नहीं दिया गया, तो कहां से हम जाए? मोदी जी और योगी जी की नीतियों से हमें कोई बैर नहीं है। हमने सुना है कि एक सांसद आरके सिंह पटेल नाम का था, लेकिन आज तक ना ही हमने उन्हें देखा। कम से कम 8 से 10 हजार यहाँ वोटर है, और ब्राह्मण बहुल इलाका बताया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ से सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग, शिक्षित लोग हैं, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में है, अच्छी पोस्टों में है, और करीब 20% लोग बाहर रहते हैं यहाँ। और यहाँ हम आ चुके हैं, यह राजधानी भी रही है राजाओं की, चंदेलों के समय रसिन गांव जो है रारी नाम से था, तब यह राजधानी थी। यहाँ लोगों के बीच हम आ चुके हैं, ये और पहाड़ों के बीच ये बसा हुआ गांव है, जहाँ बात करेंगे लोगों से कि क्या चुनावी माहौल है। और क्या आप तो काफी घूमते हैं? तो हम तो देख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, बसों में चर्चा होती जी, खूब चर्चाएं हो रही है। क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो इस समय सपा का बन रहा है। सपा का? हाँ जी। कहाँ सपा, मतलब सपा यहाँ बन रहा है कि यहाँ बसों जहां जा रहे हैं? अब हमारे गांव में तो सपा टोटल एक से दस सपा है। बसों में क्या चर्चा? बसों में भी चर्चा है यही चल रही है, बबीरू है जैसे, अतर्रा है आपका, और टोटल सपा ही है। बांदा क्षेत्र में ही आप जी 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 चालक जी। अच्छा, क्यों भाजपा के काम अच्छे नहीं लगे? भाजपा के भी काम अच्छे हैं, मैं देखिए हमारे मन का प्रत्याशी नहीं और उतर पाया हमारे बीच का, इसलिए अब हमारे बीच का हमारे प्रत्याशी हमारा आया है, हम उसी में अपना जा रहे हैं। मोदी को देख के वोट नहीं चलेंगे? अब वोट देखिए, हमें जो हमारे यहाँ बीच में है, जो हमें चाह रहा है, हम उसी की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा रुझान अभी चल रहा बताया जा रहा है, उसके बाद में जो भी निर्णय आगे देखो क्या लिया जा रहा है। भाई वो तो बांदा चित्रकूट के जो है आरके पटेल हैं, पटेल जी हमका खूब देख कुछ 10 साल का तो कुछ नहीं कह देंगे। अच्छा, रसिन में देख लिया कहूँ विकास, कहूँ तुम्हें दिखा थे बीजेपी क्या, बीजेपी का विकास तुम्हें कुछ दिखात हो तो बताओ, बीजेपी में कूदा। भाजपा मोदी जी को नहीं देखेंगे? भाजपा अनाज फ्री दे रहे, आवास दिया, शौचालय दिया, कुछ नहीं मिला किसान को, तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अच्छा, हम भाजपा को हमें देना था, पर इस बार गलत प्रत्याशी के कारण हमें नहीं देना है, हमें हाथी में देख। हाँ, मोदी जी को नहीं देखेंगे? मोदी जी, अब मोदी जी एक सीट हारने से मोदी जी को थोड़ी कोई हरा देगा। हाँ, यही सब जगह सोचने लगे लोग, सभी सीटों में। अरे, सरकार मोदी जी की ही रहेगी, पर यहाँ से मैं द्विवेदी निकलेगा। अच्छा, हाँ, क्या नाम है भैया? बताओ नाम। हाँ, मैं कुलभूषण प्रयासी, इसी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, और ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि हमें अपना ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुन करके अपनी इस आपकी लोकसभा सीट से दिल्ली भेजना है, इसलिए हम श्री मयंक द्विवेदी जी को अपना मत देंगे और सपोर्ट देंगे, तन मन धन जो भी खर्च होगा हम लगाएंगे। अच्छा, तो जो कहा जाता है कि सवर्ण हमेशा भाजपा का रहा है? जी हाँ, भाजपा के थे, मगर प्रत्याशी का सही चयन न होने के कारण जिस सवर्ण ने हम लोगों की आवाज उठाई, उस सवर्ण को टिकट नहीं दिया गया, तो कहाँ से हम जाएं भाजपा के पास? जी, आरके पटेल क्या कमी रही? आरके पटेल आज तक तो ना तो अपने इस लोकसभा क्षेत्र में घूमा है, जबकि यह राजनीतिक गांव रहा है, रसिन का एक इतिहास है, तो दरकिनार किया गया इस गांव को। इस गांव के सम्माननीय हमारे चाचा जी श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी विगत चुनाव में भाजपा से टिकट उन्हें प्राप्त था और विधायक बने, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भी रहे। वो इसी गांव के हैं? जी हाँ, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जिनके पास जो है पीडब्ल्यूडी विभाग रहा और वो मंत्री भी रहे। जी जी, दोबारा में उन्हें टिकट दिया गया, एक सुनियोजित रणनीति बना करके उनको हराया गया। तो हम भी चाह रहे हैं कि उन्होंने यदि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा हमारे माननीय मंत्री जी को हराया है, तो हम भी एक जिला पंचायत सदस्य के द्वारा माननीय आरके पटेल सिंह जी को भी हराएंगे, और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से हमें कोई बैर नहीं है, बशर्ते प्रत्याशी
सिर्फ बैर है। आगे के लिए सोचा है बस यही, क्या सोचते हैं कि मतलब अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छा मतलब वो हमारे जो भी बीच के अपने घर फैमिली को मतलब आगे कुछ बढ़ावा दे, कुछ कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हमारी जो बीजेपी सरकार है मतलब युवाओं के लिए कर रही है, लेकिन जो अभी मतलब प्रत्याशी, अब हम ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन हम युवा हैं, तो लेकिन हम युवा से हमने सुना है कि एक सांसद आरपी सिंह पटेल नाम का था, लेकिन आज तक ना ही हमने उन्हें देखा ना हम जानते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। तो हम एक युवा है, हमारे लिए भी कुछ सोच होनी चाहिए, लेकिन उनसे मतलब कोई आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे लिए क्या करते हैं क्या कुछ नहीं करते हैं। और ये जो मयंक द्विवेदी जी हैं, मतलब युवाओं के लिए भी इन्होंने सोचा है, देखिए क्या कैसे। अभी तो हम अब फिलहाल प्रेजेंट का ही देखेंगे कि लोग केंद्र में कौन सी सरकार देखेंगे। केंद्र में तो हम मोदी जी, हम कट्टर बीजेपी वाले हैं। अच्छा। और वही आएंगे जीते हैं। क्या भाजपा में जो है लोग बहुत नाराज हैं आपका जो है? ये भाजपा ही होने के कारण से, केवल प्रत्याशी और समाज के कारण से जो है सब विलग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कुर्मी जातिवाद ऐसा है, इनका कोई पार्टी नहीं है ना इनके पास कोई नेता, ये केवल अपने ही नेता अपने ही पार्टी को वर्चस्व देते हैं। लेकिन हमारे जो गांव के ब्राह्मण हैं और अन्य कास्ट के भी, ये सोचते हैं कि यदि शायद हम भाजपाई हैं तो हमारा जो हम इनका समर्थन करें तो ये हमारा भी समर्थन करे, लेकिन इनके पास कोई समर्थन का चारा नहीं, केवल इनको अपने व्यक्ति विशेष से मतलब। इस कारण से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और हमारे युवा लोग हैं ये भी नाराज होकर के, उनका कहना है कि यदि शायद ये पार्टी नहीं देखते हैं तो हमको भी पार्टी अब नहीं देखना, हमको भी अपनी जाति देखना। क्या माहौल है फिर आपके गांव का? हमारे माहौल इस स्थिति में तो बहुत ही दयनीय भाजपा की दिख रही है। हाँ। क्योंकि यहाँ से कमल खिलने में लगता है कि नहीं खिल पाएंगे। आपने प्रयास नहीं किए? हमने घर घर प्रयास किया लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यदि शायद ऊपर की टीम आए और आकर के इनको आश्वासन दे और इनसे जो है अच्छी तरह से गहन इनकी समस्याएं देख करके यदि शायद तो बदलाव हो सकता, अन्यथा यदि अकेले हम यदि शायद बूथ अध्यक्षों के माथे रहे तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है जब तक ऊपरी नेता नहीं आएंगे। सपा का क्या माहौल? सपा का तो यहाँ केवल तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। हाँ, तीनों का टक्का त्रिकोणीय संघर्ष है। क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा है। चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ? हमारी यही नहीं महाराज के चलने का तर्रा वाले का बात है। हमको हमारे पार्टी लीडर पार्टी के आदमी है। अच्छा। हम पार्टी में जिस दान लगा दे पार्टी के आदमी है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा अच्छा। पार्टी के है, पार्टी के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के लिए जी जान लगा देंगे जहाँ तक हो। चित्रकूट बांदा का बॉर्डर भी है और ये चित्रकूट इलाके में आता है, तो ये इस गांव की तमाम जनता थी। यहाँ जो जैसा कि हमने बताया ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और यहाँ की जो बहुसंख्यक है वो पढ़ा लिखा वर्ग है और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो है यहाँ नौकरी पे लोग कर रहे हैं और करीबन 20% जनता यहाँ की बाहर ही रहती है, लेकिन मतदान के वक्त वो अपनी जिम्मेदारी निभाने यहाँ जरूर आएंगे। तो आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी, किसी और जगह किसी और स्थान में हम लोगों के बीच फिर मुलाकात होगी और चुनाव की हल हलचल आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।